हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर है राम गंगा कोसी। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी तथा स्वतंत्रता से पहले कार्बेट नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसे राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, परंतु अब इसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल में है। जिम कार्बेट को गोरा ब्राह्मण भी कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद है? इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में 15 विकासखंड है, जो कि इस प्रकार है, पौड़ी, कोट, जहरीखाल, खिरसू, पाबों, थैलीसैन, वीरोखाल, नैनी डांडा, एकेश्वर, पोखड़ा, रिखणीखाल, जहरीखाल, दूरोंखाल, दुगड्डा और यमकेश्वर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। बागनाथ मंदिर कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर सरयू व गौमती नदी के संगम पर स्थित है। इसे कुमाऊं का काशी भी कहते हैं। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीति दर्रा किन किन के बीच स्थित है? तो नीति दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। दर्रों को पास धुरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर है बांज। उत्तराखंड में बांज का वृक्ष हर जिले में स्थित होता है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में स्थित है। 1983 में राजाजी नेशनल पार्क 3 वन्य जीव क्षेत्र मोतीचूर, चीला, राजाजी को मिलाकर किया गया था। इसका क्षेत्र पर 820 वर्ग किलोमीटर है। 2014 में इसे उत्तराखंड का टाइगर घोषित कर दिया गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस जनपद में हेड़ाखान आश्रम है? हेड़ाखान आश्रम है रामगढ़ नैनीताल में। रामगढ़ की मुख्य विशेषता यहाँ है, यहाँ सबसे ज़्यादा रसीले फल मिलते हैं, जैसे सेब, नाशपाती आदि के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ प्रसिद्ध कावित्री महादेवी वर्मा का घर यहीं स्थित है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने किस स्थान पर गंगा में फाटक लगाने का विरोध किया? इसका आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार को देवताओं का द्वार व गंगा का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में स्थित है। इसी के साथ हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लोहासर पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका आंसर है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में 12.6% भूभाग में निवास करती है। यह पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी में निवास करती है। भोटिया जनजाति अर्ध घुमंतु जनजाति होती है। ये अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें भोटा और हिमाचल प्रदेश में इन्हें भोट नाम से जाना जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इन्हें चमोली में तोछा और मार्छा के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ में इन्हें सोका व जोहारी नाम से जाना जाता है। और उत्तरकाशी की बात करें तो इन्हें जाड़ नाम से जाना जाता है। तो आज के हमारे वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। धन्यवाद।